ओके, तो इस तरीके की रिस्क आप ना लें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग है शिवालिक डैम, जो उदयपुर में हाल ही में सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित है। तो मैं भी आ गया हूँ आज यहाँ पे शिवालिक डैम के। यहाँ पे ये डैम NH 74 जो मेन हाईवे है, यहाँ पे ये बोर्ड लग रहा है। जो ये रास्ता देखिए आप, जो सामने गाड़ी आ रही है, ये अंबेरी सुकेत जो रास्ता है, अंबेरी पुलिया होके अपन आते हैं, तो यहाँ पे रास्ते में NH 74 पे लग रहा है शिवालिक डैम का बोर्ड। और यहाँ से लेफ्ट साइड पे आपको कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर का जो आगे जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। तो चलते हैं आज और अपन वही देखते हैं। तो दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हैं शिवालिक डैम के थोड़े से पास में। और ये बोर्ड लग रहा है शिवालिक डैम का, तो यहाँ पे महादेव जी का स्थान है। तो आपको शराब आदि पी के नहीं आवे, ऐसा यहाँ पे बोर्ड पे जानकारी आदि दे रखी है। ये जानकारी आप पढ़ सकते हैं। और इस साइड देखिए, पानी बहुत ही तेज बहाव के साथ आ रहा है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आने से पहले इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि खाने पीने की जो भी वस्तुएँ सामग्री हो वो अपने साथ लेके आए, और शूज़ आदि पहन के नहीं आए, स्लीपर या सैंडल पहन के आए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद। कैमरामैन देवेंद्र सिंह जाला पानी में थोड़ा संघर्ष करते हुए, और कुछ इस तरह का यहाँ पे खूबसूरत सा नज़ारा। तो दोस्तों देखिए, वहाँ पे है सामने महादेव जी का मंदिर, वहाँ पे भी चलते हैं, वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। और पहले ये नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत, बहुत सारे लोग इधर पानी में नहा रहे हैं, उधर नीचे जाके भी मैं आपको बताता हूँ। और ये वाटरफॉल उदयपुर का सबसे बेस्ट वाटरफॉल है, जो अभी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। और देखिए, दूध सी चादर चल रही है, जहाँ महादेव होते हैं वहाँ गंगा तो अवश्य बहती है। और देखिए कितनी खूबसूरत, और पिकनिक वगैरह आने वाले लोग भी बहुत अच्छे इंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो आप भी आइए, चलते हैं। तो दोस्तों, इधर ये सीढ़ियाँ लग रही है, यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ के आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ऊपर जो मेन डैम के यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ बीच में जो पानी के डैम के यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो इस तरीके की रिस्क आप ना लें, क्योंकि ये रिस्क बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि देखिए, ये नीचे जो वहाँ पर लोग है वो काफ़ी गहरा ही है, और अगर यहाँ से गए नीचे तो बचना भी भारी है, क्योंकि पानी चलता है उस टाइम क्या है, ऊपर काई जमी रहती है, तो काई की वजह से फिसल सकते हैं। तो आप भी अगर यहाँ पे आते हैं अपने दोस्तों आदि के साथ, तो इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और ऐसे करने से कोई हादसा हो सकता है, तो आप भी समझे इस तरीके से। देखिए, बहुत ही बड़ा डैम, और यहाँ से आगे से पानी उन अरावली की पहाड़ियों से आता है इसमें, और यहाँ से फिर जाता है इस साइड। तो ये देख सकते हैं आप।
तो आए यहाँ पे तो महादेव जी के भी दर्शन करते हैं, आ जाओ। जय महादेव, जय महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महादेव। दोस्तों ऊपर वहां से आने के बाद यहाँ सोनेश्वर महादेव जी बोला जाता है इनको, जय महादेव भगवान। तो आप भी दर्शन करिए, हर हर महादेव, जय महादेव।